हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है कि महावितरण का जो ऐप है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसके रिगार्डिंग में ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपको ये ऐप कैसे यूज़ करना है, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें आप कैसे बिल चेक कर सकते हैं, अपना आउटस्टैंडिंग बिल क्या है, प्रीवियस बिल आपने कैसे पेमेंट किया था और कितना बिल आया था, कितना रीडिंग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये ऐप में आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि आप कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं, आपका प्रीवियस बिल भी देख सकते हैं, आप अपना रीडिंग भी अपलोड कर सकते हैं। कंप्लेंट के लिए आपको सपोर्ट नंबर भी इसमें दिया गया है, मेल आईडी वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं ऐप का जस्ट गो थ्रू करवाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये ऐप में आपको सपोर्ट दिया गया है, बिल का हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, बिलिंग हिस्ट्री क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऐसे ही सारे वीडियो आप तक लाने के लिए मैं आपके साइड से आपका सपोर्ट चाहता हूँ। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बाजू के बेल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ये जो कि आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है या इसके रिगार्डिंग कोई आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो इस कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। अगर इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या करना चाहिए, जस्ट आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में डालिए महावितरण मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप आप डालते ही हो वैसे ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया इसके लिए ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते ही आपको ये ओपन होने के बाद में यहाँ पे लॉगिन नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो शायद से आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा, तो आप एज अ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी मराठी जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट साइन अप का जो नाम दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा। तो कंज्यूमर नंबर आपके बिल में लिखा रहता है, वो कंज्यूमर नंबर आपको मेंशन करना है, मोबाइल नंबर आपका डालना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है, लॉगिन नेम आप डिसाइड करना है आपको लॉगिन नेम क्या डालना है, पासवर्ड एज इट इज़ आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 6 कैरेक्टर्स रहना चाहिए, एक नंबरी कैरेक्टर्स और एक स्पेशल कैरेक्टर्स, वो आपके हिसाब से पासवर्ड आप मेंशन करते हो और सबमिट कर दीजिए, तो आपका जो आईडी है बन जाएगा। लेकिन अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने नहीं लिया है। आप एज अ कंटिन्यू एज अ गेस्ट करके जा सकते हैं, कंटिन्यू एज अ गेस्ट करने के बाद व्यू बिल सबमिट रीडिंग हिस्ट्री प्रोवाइड्स ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। व्यू बिल पे क्लिक करने के बाद जो विंडो आता है वो दिखाई देता था, मीटर रीडिंग सबमिशन पे हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो ये से वीडियो आता है, प्रोवाइड फीडबैक पे फीडबैक जो भी है आप वहाँ पे कैसी सर्विस लगी, सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या दिख रहा है। बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में आपको शायद से ये नहीं हो पा रहा था कि बिल कितना है, नहीं मिल रहा था आपको, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। अभी देख सकते हैं कि व्यू हिस्ट्री पे आप क्लिक करते एज अ एग्जांपल पर्पस के लिए मैं आपको एक नंबर डाल के कंज्यूमर नंबर कनेक्शन नंबर डाल के मैं आपको बिल का हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसे दिखता है बिल का हिस्ट्री, अब तक का मेरा जितना बिल है वो दिखाई देगा, पेमेंट हिस्ट्री भी आपको दिखाई देगी। अगर आप बैक करते हो तो सेम एज इट इज़ आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, मीटर रीडिंग सबमिशन के लिए जो रीडिंग आपको डालनी है उसका कंज्यूमर नंबर आपको डालना होगा, नेक्स्ट करना है तो आपको एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी मैं व्यू बिल के लिए अपने अभी बिल कितना आया है ये चेक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कंज्यूमर नंबर आप डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो घर में बैठे बैठे आप अपना बिल भी पेड कर सकते हैं। यहाँ पे बिल पे क्लिक करने के बाद आई एग्री करना है, फिर ये आपके पास सामने ऑप्शन आ रहे हैं दो, तो इससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। जस्ट ऐसी बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब के लिए आपके दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए।
थैंक यू।